अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन कवर की है। अब आज की वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। उसे हम क्या कहते हैं, कौन से ब्रांच है बायो की, जेनेटिक्स। द वे बाय विच जीन ट्रांसमिट कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। जेनेटिक्स तो ब्रांच है बायो की, इसके अलावा इनहेरिटेंस में वो तमाम प्रोसेस आ जाते हैं जो हेरिडिटी में हेल्प करते हैं, जिनकी वजह से हेरिडिटी होती है। इसके अलावा अलील क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन की। सिमिलर क्रोमोसोम इन अ सेल, जो कि शेप में सिमिलर हो, साइज में सिमिलर हो और सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर भी सिमिलर हो, उससे हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। केमिकल मटेरियल ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिन। द आउटर पार्ट ऑफ डीएनए हेलिक्स मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट इज कॉल्ड अपराइट। जो आउटर पार्ट है वो किससे बना होता है, शुगर से और फॉस्फेट से, और इसे हम कहते हैं अपराइट। जबकि सेंट्रल पोर्शन है वो बना होता है नाइट्रोजीनस बेस से, और उससे हम कहते हैं रंग्स। स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैज इन्फॉर्मेशन टू कोड वन प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। जीन क्या है, स्मॉल सेगमेंट है डीएनए का जो कि एक प्रोटीन को डिकोड कर सके, एक कैरेक्टर को डिकोड कर सके। न्यूक्लियोटाइड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। पॉली न्यूक्लियोटाइड, जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो पॉली न्यूक्लियोटाइड बनेगा। इसके अलावा एक्सॉन, ये टर्म यूज़ नहीं हुई है चैप्टर में, लेकिन एक्सॉन क्या है, वो पार्ट होता है डीएनए का जो कि एक्सप्रेस हो सके। डीएनए में कुछ सेगमेंट ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेस हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सॉन। जबकि डीएनए में कुछ सेगमेंट ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं हो सकते, उन्हें हम कहते हैं इंट्रॉन। तो जब एमआरएनए बनता है तो ये एक्सॉन पार्ट पर जो नाइट्रोजनस बेसिस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस एमआरएनए पर लगते हैं, और इस तरह से एमआरएनए बनता है। जबकि जो इंट्रॉन पोर्शन होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। द एग्जैक्ट डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, डीएनए डुप्लीकेट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तो प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स हैं, जीन एक्सप्रेशन के स्टेप्स हैं। इफ बोथ पेरेंट यूनिट सेम फैक्टर फॉर कैरेक्टर इज कॉल्ड होमोजाइगस। होमोजाइगस कब होता है, जब दोनों पेरेंट सिमिलर जीन दें, जैसे कि एक पेरेंट ने टॉल प्लांट की जीन दी, दूसरे पेरेंट ने भी टॉल प्लांट की जीन दी, तो ये क्या है, होमोजाइगस। हीटरोजाइगस कब होगा, जब दो पेरेंट डिफरेंट जीन थे, एक ने टॉल की जीन दी, दूसरे पेरेंट ने स्मॉल की जीन दी, तो ये क्या है, एक हीटरोजाइगस कंडीशन हो गई है। नाउ द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ ट्रेट इज कॉल्ड जीनोटाइप। अगर हम किसी भी ट्रेट की बात करें, उसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो कौन से जीन से बना है, वो बताता है उसका जीनोटाइप। जैसे कि ये है एक जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल डी, हमें क्या बता रहा है कि इसके पास एक टॉल की भी जीन है और एक स्मॉल की भी जीन है, हीटरोजाइगस कंडीशन है। जबकि फिनोटाइप बताते हैं हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिजिकल अपीयरेंस, कि प्लांट टॉल है, सीड कलर येलो है, ग्रीन है, क्या है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7।